हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मुलाकात में हम एक ब्रिटिश आइकॉनिक गाड़ी का रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास मिनी है। मिनी 1959 से एग्जिस्ट करती है और 1959 से लेकर 2000 तक क्लासिक मिनी थी। फिर 2001 से ऑनवर्ड्स BMW मिनी आ गई। फिर इसके भी डिफरेंट वेरियंट्स हैं, डिफरेंट ट्रिम लेवल्स हैं। इसमें मिनी कंट्री मैन है, मिनी क्लब मैन है, और नई मिनी तो मुझे मिनी लगती भी नहीं है क्योंकि वो मिनी रही नहीं है, वो साइज़ में काफ़ी बड़ी हो चुकी भी है। खैर, मिनी की अच्छी बात यह है कि मिनी एज अ रेस कार, एज अ ट्रैक कार, रैली कार और इकोनॉमी कार हर जगह बहुत सही से फिट इन होती है। 1959 में लॉन्च हुई थी, लेकिन 1960s में ही मिनी ने ब्रिटिश रैली चैम्पियनशिप में पोजीशन हासिल की। ना सिर्फ ब्रिटिश रैली चैम्पियनशिप में बल्कि यूरोपियन रैली चैम्पियनशिप में, मोंटी कार्लो रैली में भी पोजीशन हासिल की। तो परफॉर्मेंस, इकोनॉमी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और एज़ यूजुअल हम इस गाड़ी की एक्सटीरियर इंटीरियर को देखेंगे, इसे टेस्ट ड्राइव पे लेकर चलेंगे और कुछ परफॉर्मेंस की बातें करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम मिलके इस मिनी को डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, आजकल के इस मॉडर्न दौर में जापानीज की कार्स के डिज़ाइन को काफ़ी सराहा जाता है क्योंकि उसमें इंटीरियर स्पेस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की गई होती है। लेकिन बहुत से लोग शायद ये नहीं रियलाइज़ कर पाते कि छोटी गाड़ी में मैक्सिमम केबिन की सोच ओरिजिनल मिनी ऑस्टन से शुरू हुई थी, जो कि 1950s में सर एलिस इसिगोनिस ने डिज़ाइन की थी, जो कि अपने वक्त में बहुत स्पेशियस और सिंपलिस्टिक अफोर्डेबल डिज़ाइन था। और ये वो पहला डिज़ाइन था जिसमें इंजन ट्रांसवर्स माउंटेड था, जिसकी वजह से गाड़ी की इंटीरियर स्पेस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल हुई। मकसद ये था कि गाड़ी के अंदर लोग कंफर्टेबल होकर बैठ सकें। मेरे ख्याल में बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये डिज़ाइन दुनिया में ओरिजिनल मिनी ने मुतारिफ़ कराया। आज भी मिनी की फॉलोइंग पूरी दुनिया में पाई जाती है और स्पेशली यंगस्टर्स में। मिनी की पॉपुलैरिटी को मद्देनज़र रखते हुए BMW ने, जो कि रोवर ग्रुप को ऑन करती थी उस वक़्त, BMW ने 21st सेंचुरी के लिए अपडेटेड मिनी लॉन्च की, जो कि आज आप वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली BMW मिनी ओरिजिनल जैसी छोटी नहीं रही, बल्कि काफ़ी बड़ी है, जबकि ओरिजिनल मिनी छोटी थी। आप कह सकते हैं कि सुजुकी मेहरान के साइज़ की थी, लेकिन हर चीज़ बहुत बेहतर। ओरिजिनल क्लासिक मिनी दिखने में हेल्दी और स्मार्ट थी और पर्पस बिल्ट भी, लेकिन नई वाली तो ऐसी है कि ज़्यादा फीट की वजह से मोटी हो गई है। लेकिन BMW ने बनाई है तो बिल्ट क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, इंजन भी रिस्पॉन्सिव है और हैंडलिंग की तो क्या बात है। आइए दोस्तों, अब हम मिलकर इस गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं। इसमें भी की के थ्रू आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है और इससे आप ट्रंक को ओपन कर सकते हैं। क्रोम हैंडल्स, ब्लैक लेदर इंटीरियर, इसकी सीट में हाइट एडजस्टमेंट भी है। इंटीरियर में आप गौर करें तो क्लासिक मिनी के कैरेक्टर को आप क्लियरली देख सकते हैं। स्पीडोमीटर इसका सेंटर में है और बहुत बड़ा डायल है इसका, जिसमें टेम्परेचर और फ्यूल गेज इंटीग्रेटेड हैं। और RPM मीटर को आप गौर करें तो स्टेरिंग कॉलम के ऊपर माउंट किया गया हुआ है, बिल्कुल सेंटर में। टू स्पोक लेदर स्टेरिंग व्हील, ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप नए मॉडल की मिनी लेंगे तो उसमें स्पीडोमीटर के बीच में एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन होती है, जिसमें उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इंटीग्रेटेड होता है और बेतहाशा फीचर आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके वेंट्स एयर कंडीशनिंग के देख लें, बहुत ही यूनिक है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिमर, हैजर्ड्स, फ्यूल गेज, कूलेंट टेम्परेचर गेज, ऑडियोमीटर,
उसके नीचे आप आएंगे तो इसका मल्टीमीडिया सिस्टम है, आप देख सकते हैं इसका सीडी प्लेयर। और एक मजे की बात यह कि अगर आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल पे गौर करें तो बिल्कुल मिनी के लोगो की तरह डिजाइन किया गया हुआ है। इसके सेंटर में टेम्परेचर है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बाकी उसके सारे कंट्रोल्स। फिर ट्रेडिशनल मिनी के जो बटन्स हैं उस डिज़ाइन के हैं, विंडोज़ को आप इन बटन्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, फॉग लैंप्स, सीवीटी गियरबॉक्स, इसको आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस करेंगे तो गियर अप हो जाएगा, माइनस करेंगे गियर डाउन हो जाएगा। हीटेड सीट्स और साइड मिरर्स जो हैं वो ऑटोमेटिक भी हैं, और कंट्रोल यहाँ से आप एडजस्टमेंट उसकी यहाँ से कर सकते हैं, लेफ्ट राइट करके इस बटन से क्लोज हो सकते हैं। आप गौर करें तो इसका जो रियर व्यू मिरर है वो भी ओवल शेप में है। मैप रीडिंग लैंप्स। फिर एक मजे का फीचर इसका सनरूफ है जो कि यहां से कंट्रोल होता है। इसका सनरूफ इस तरह से खुलता है और ये एक विंड डिफ्लेक्टर है जो सामने आ जाता है। आइए दोस्तों अब हम मिलकर इसकी रेयर सीट्स को देखते हैं। रेयर सीट्स में जाने के लिए आपको, क्योंकि टू डोर है तो आपको फ्रंट सीट्स को फोल्ड करके पीछे जाना होगा। रेयर सीट्स में जाने के लिए आपको ये लीवर प्रेस करना होगा, इसकी मदद से सीट जो है वो फोल्ड होके आगे चली जाएगी। आप देख सकते हैं पिछली सीट्स छोटी हैं, मतलब स्पेस कम है, लेकिन ये भी माइंड में ज़रूर रखिए कि ये गाड़ी छोटी है, कॉम्पैक्ट है। तो दोस्तों रेयर सीट्स में आप देख सकते हैं कि हेडरूम तो है लेकिन लेग स्पेस जो है वो डिपेंड करती है फ्रंट बंदे की हाइट पे कि वो सीट कितनी आगे या पीछे करके बैठते हैं। तो अगर मतलब कोई नॉर्मल हाइट का बंदा बैठा हुआ है तो इसमें लेग स्पेस भी है, लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये रेयर सीट्स जो हैं ये बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई हैं, और हम बच्चों को बिठा के भी देख लेते हैं उनके मुताबिक जो है ना ये स्पेस ठीक होगी। फिर इसमें रेयर स्पीकर्स हैं और पीछे भी दो पॉकेट्स हैं, पिछली सीट्स पे आर्मरेस्ट भी हैं और इसमें सीट बेल्ट्स भी हैं, तो सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त किया गया है। और अच्छा फीचर इसका सनरूफ है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा, स्पेशली जब वो पीछे बैठे होंगे। इसका रेयर जो आइए दोस्तों अब हम मिलके मिनी में ट्रंक स्पेस को देखते हैं जो कि हमारा एक मेजर कंसर्न होता है। मिनी छोटी जरूर है लेकिन इसमें ट्रंक स्पेस काफी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें 5.7 क्यूबिक फीट की स्पेस है जो कि मेरे ख्याल में किसी भी एक कपल के लिए काफी है। अगर जरूरत हो आप इस स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं रेयर सीट्स को फोल्ड करके, जो कि बहुत ही ईजी है। जस्ट इस फ्लिप को आप अनलॉक करके सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। फिर इसमें एक 12 वोल्ट पावर आउटलेट है जिसमें किसी ने लाइटर लगाया हुआ है, और इसमें एक लाइट भी है और प्राइवेसी कवर।
तो दोस्तों अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं, और टेस्ट ड्राइव पे ले जाने से पहले हम इसकी थोड़ी सी सीटिंग पोजीशन और विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनली मिनीज की सीटिंग पोजीशन काफ़ी लोअर्ड होती है, और जो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, और इसमें लोअर्ड पोजीशन में बैठ के आपको एक स्पोर्टियर गाड़ी की फील आना शुरू होती है। फिर अगर आप गौर करें तो इसका जो RPM मीटर है वो स्टेयरिंग कॉलम पे माउंट हुआ हुआ है, तो आपकी बैठ के स्ट्रेट आपकी नज़र जाती है RPM मीटर पे, और इसकी वजह से भी एक स्पोर्टियर गाड़ी की फील आना शुरू होती है। खैर लोअर सीटिंग पोजीशन तो है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी विंडोज भी बड़े साइज की हैं और एक रोड का बहुत क्लियर व्यू मिलता है। फिर इसके जो ओवल शेप के रियर व्यू मिरर है या साइड व्यू मिरर्स हैं उनसे भी आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। गाड़ी की डाइमेंशंस छोटी सी हैं और इसका अंदाज़ा लगाना बहुत इजी है, तो इसको ड्राइव करना बहुत इजी है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अब हम इसके ड्राइविंग डायनामिक्स को देखेंगे और आपसे अपना व्यू शेयर करूँगा मैं। तो दोस्तों एज यूजुअल ड्राइविंग एक्सपीरियंस में हम सबसे पहले बात करेंगे हैंडलिंग पार्ट की, और अगर हैंडलिंग पार्ट में है तो इसके स्टेयरिंग का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत क्विक फीडबैक है और शार्पनेस भी है इसके स्टेयरिंग में। और उसके अलावा इसमें फ्रंट में मैकफीर्सन स्ट्रट की सस्पेंशन है, और ट्रैक पे इस गाड़ी की हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बेस्ट हैंडलिंग कार है। और इसीलिए आप ये भी ध्यान में रखें, जब BMW इस मिनी को डिज़ाइन कर रही थी तो उनका फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा डिज़ाइन किया कि इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। ट्रेडिशनली अगर आप जाके देखें तो क्लासिक मिनी की भी एक रेवोल्यूशनरी सस्पेंशन थी, और इतनी अच्छी हैंडलिंग और डिज़ाइन की वजह से 1960s में मिनी ने ब्रिटिश रैली चैम्पियनशिप जीती, उसमें पोजीशन हासिल की। इसके अलावा यूरोपियन रैली चैम्पियनशिप में पोजीशन हासिल की, और मोंटी कार्लोस की रैली में भी मिनी ने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की। तो रेस ट्रैक्स, परफॉर्मेंस, रैलीज, ये मिनी के लिए कोई नई बात नहीं है। और मिनी की अच्छी बात यह है कि इसके आफ्टर मार्केट जो सपोर्ट है पार्ट्स की वो भी बहुत अच्छी है, और बहुत कस्टमाइजेबल गाड़ी है। आप इसको और ज़्यादा कस्टमाइज करके इसके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम इंजन एरिया पे आते हैं। तो मिनी तो एक ही गाड़ी है, लेकिन बहुत सारे मुख्तलिफ इंजन के साथ ऑफर की गई है। इसमें डीजल वर्जन भी आता है, पेट्रोल वर्जन भी है। डीजल वर्जन स्पेसिफिकली फ्यूल इकोनॉमी के लिए डिज़ाइन किया गया हुआ है, और बहुत अच्छा एफिशिएंट इंजन है। उसके बाद आप देखें इसमें 1.4, 1.5, 1.6 लीटर के मुख्तलिफ साइज़ के इंजन ऑफर किए गए हैं, और आप खुद अंदाज़ा लगा लें जी, इतनी छोटी सी गाड़ी है और इसमें 1.5 का इंजन, तो अच्छी पावरफुल गाड़ी है। फिर अगर ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है ये 1.5 है, और इसका CVT गियर बॉक्स है। वैसे मैंने बाहर जो है ना इनकी 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन की भी चलाई हुई है, जो कि बहुत अच्छी है। उसके गियर शिफ्ट जो है बड़े क्रिस्प हैं, और लेकिन एक बात है कि थोड़े से इसके गियर रेशोज जो है ना वो वाइड हैं, तो उसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी के लिए इन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन बाज़ूकात बंदा एक्सेलरेट करने में काफ़ी फील कर रहा होता है कि यार कब गियर शिफ्ट करूँ। खैर अब अगर आपको इकोनॉमी के लिए चाहिए तो आप नॉर्मल 1.5 ले लें या डीजल ले लें, जो कि बेस्ट गाड़ी है। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस के उससे चाहिए तो आप 1.6 लीटर कूपर एस लें, जो कि सुपर चार्ज्ड इंजन होता है उसका, और बहुत अच्छी पावर होती है। इसी तरह इसमें मुख्तलिफ वेरिएंट्स की बनाई गई हैं। इसमें एक स्पेशल एडिशन था मिनी कूपर एस में, जो कि जॉन कूपर एस वर्क्स GP था, जो कि पूरी दुनिया में कोई 2000 गाड़ियां प्रोड्यूस की गई थी, ओके, जिसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल देखें आप परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रैली और रेसेस के लिए मतलब, और या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना मिनी बहुत अच्छी गाड़ी है, और हर उसका ख्याल रखा गया है इसमें। फिर एक बहुत अच्छी बड़ी जो बात है मिनी की वो ये है कि इसकी आफ्टर मार्केट सपोर्ट जो है पार्ट्स की वो बहुत अच्छी है, और बहुत मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, और लुक्स में भी आप कर सकते हैं चेंजेस। तो अगर इस पर्टिकुलर 1.5 की हम बात करें तो इस 1.5 के साथ CVT गियर बॉक्स है, और इस CVT गियर बॉक्स को आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें
प्लस माइनस करके इसी गियर शिफ्ट लीवर के थ्रू। इसमें कोई पैडल शिफ्टर्स ऑफर नहीं किए गए, लेकिन आप इस गियर लीवर के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस गाड़ी को, ये 1.5 लीटर वर्जन को फ्यूल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी डिज़ाइन किया गया। थोड़ा बहुत जब आप हाईवे पे जाते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी के अंदर एक रोड का जो नॉइज़ है वो तो आता है ज़रूर, लेकिन वो कोई ऐसा इंट्रूसिव नहीं है या बहुत आपको तंग नहीं करने वाला। ओवरऑल इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। CVT गियर बॉक्स जो है वो एफिशिएंट है। अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात की जाए तो तकरीबन 12-12.5 किलोमीटर की फ्यूल इकोनॉमी है इसकी लोकल यूज़ में, जो ये वो फीडबैक है जो मैंने यहाँ के लोकल ओनर्स से लिया है। तो उस पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल में 12.5 किलोमीटर भी कोई इतनी बुरी नहीं है। अगर आप जापान में देखें वहाँ पे ज़रा ज़्यादा 660 CC का रवाज है, और अगर आप UK जाके देखेंगे तो वहाँ पे मिनी जो है बहुत कॉमन गाड़ी है, जैसे हमारी यहाँ पे सुजुकी मेहरान है उस तरह मिनी है। लेट 90s में मिनी तो एक फैशन बना हुआ था UK में। तो दोस्तों, अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस को हम कंक्लूड करना चाहें तो मिनी में एक ड्राइविंग प्लेजर है, और मिनीज़ का हमेशा से स्टेयरिंग का फीडबैक इतना अच्छा होता है कि इस गाड़ी को चलाने में एक एक्साइटमेंट होती है। तो ओवरऑल इट इज़ एन एक्साइटिंग कार टू ड्राइव। उसके बाद इंटीरियर का, एक्सटीरियर का एक यूनिक स्टाइल है, तो फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है। फिर इंटीरियर में और फीचर्स भी हैं और सनरूफ भी है, तो ये सब कुछ होते हुए आपको और क्या चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप यंग कपल हैं या सिंगल हैं, या आप अपने घर के यूज़ के लिए एज अ सेकेंड कार ले रहे हैं जो कि यूनिक हो, दैट स्टैंड्स आउट इन द क्राउड, तो मिनी कैन बी वन गुड ऑप्शन जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं। आजकल के दौर में इस तरह की मिनी की प्राइस तकरीबन 20-25 लाख रुपए की रेंज में है, डिपेंडिंग ऑन मॉडल कंडीशन। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी प्राइस नहीं है इस तरह की यूनिक गाड़ी के लिए, तो आप इसे ज़रूर कंसिडर कीजिए अगर आप यूनिक गाड़ी कोई लेना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के मुंतज़र रहिएगा। शुक्रिया।